महादेव, आप सभी साथियों को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे हरियाली तीज पर धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल 7 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। इस पर्व को माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा अर्चना करती हैं, पति की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज पर कुछ उपायों को करना लाभकारी माना जाता है। इन उपायों को करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। यदि आपने ये उपाय कर लिए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं ये विशेष उपाय कौन से हैं। पहला उपाय पति पत्नी को जोड़े के साथ करना है, यानी एक साथ करना है। हरियाली तीज पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़े के साथ पूजा करें। पूजा करते समय शिव जी को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करें। इस उपाय से आपका रुका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होगा। और इसके साथ ही हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ को घर में बनी खीर या मालपुए का भोग लगाएं। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलती है, साथ ही धन लाभ होता है। यदि आप खीर या मालपुए का भोग नहीं लगा सकते हैं तो शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। और इसके साथ ही हरियाली तीज के दिन शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में लाल रंग की बत्ती बनाकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, दिए में केसर डालें और दीपक शिव जी को अर्पित करें। अर्पित करते समय धन प्राप्ति की मनोकामना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और हरियाली तीज के दिन शिव जी को पुष्प, फल, शक्कर, गंगा जल और कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे शिव जी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना होती है। साथ ही हरियाली तीज के दिन चींटियों को शक्कर युक्त आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको अपार धन की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही हरियाली तीज के दिन धन प्राप्ति के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। हरियाली तीज पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और फिर मां लक्ष्मी की आरती करके ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से धन संचय और समृद्धि में वृद्धि होती है। और इसके साथ ही हरियाली तीज के योग में शिव जी की पूजा का अच्छा फल प्राप्त होगा। अतः इस दिन शिव जी का पंचामृत अभिषेक करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी का पूजन करने से धन पाने की इच्छा निश्चित ही पूर्ण होगी। तो ये थे हरियाली तीज के दिन धन प्राप्ति के विशेष उपाय। ऐसी मान्यता है हरियाली तीज के दिन जो भी व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहती है। अतः आप भी हरियाली तीज के दिन ये उपाय करके माँ लक्ष्मी की कृपा पाएं और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप इसी मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सूज से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते
पोस्ट बनाते समय परेशानी आती है, सांस फूलती है तो आवाज़ भी ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।